अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधुओं, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता है। किसान भाइयों, आज आपसे हमारी बात होगी गाय भैंस बच्चा क्यों नहीं ठहराती है या गर्म होने के बाद बार बार क्यों 21 दिन पर ही गाय भैंस बच्चा न ठहरा कर पलट जाती है फिर गर्म हो जाती है, इस विषय पर आपको आज बताना है। गाय भैंस पे बहुत जटिल बीमारी किसान बंधु, हम लोग रखते हैं कि गाय भैंस की माने 21 दिन पर गाय और भैंस हमारा पाल खा जाए और पाल ठहर जाए, लेकिन क्या होता है किसान भाइयों की जब हम लोग गाय भैंस रखते हैं अच्छा खाना दाना सब देते हैं मिनरल मिक्सचर सब देते हैं लेकिन पाल ठहरने की शिकायत आ जाती है, पाल नहीं ठहर पाता है, तो इसमें किसान बंधुओं आप लोगों को ह्रास होता है। हम लोग खाना पीना एक साल तक इंतजार करते रहते, दो साल तीन साल बच्चा दे दिए एक बार, उसके बाद साल भर दो बरिस तक माने 8 महीना 10 महीना दूध दी गाय भैंस, उसके बाद भी सूख गई, दूध देना बंद कर दी और पाल ही नहीं खा रही है। गर्म गर्म होती है साल पाल खाती है या AI द्वारा पाल दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि 21 दिन के बाद में किसान बंधुओं गाय भैंस फिर हमारी गर्म हो जाती है। इससे हम लोग बार बार समय की भी बर्बादी होती है, पैसा का भी बर्बादी होता है, खाना दाना का भी बर्बादी होता है और कुछ हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए किसान बंधुओं आप लोग आज इस विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि गाय भैंस जो नहीं ठहर रही है उसके विषय में आपको दवाई बता रहा हूँ। ये तो आपको लक्षण बता दिए कि यही लक्षण दिखाई देगा किसान बंधु, लेकिन आपको करना क्या है, जब हमारी गाय भैंस गर्म हो गई उसके बाद उसको पाल नहीं खिलाना है, उसको रोक देना है अगले बार के लिए, आप AI भी नहीं करिएगा, सांड भैंसा के पास भी नहीं ले जाइएगा। क्या करना है, आप लोगों को कोई भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ले लेना है, किसी भी कंपनी का 1 kg केवल लेना है, 1 kg मिनरल मिक्सचर ले लेना है और 1 kg टाटा नमक। मिनरल मिक्सचर जैसे एग्रोमिनफो टाटा है, टोटा भेट स्ट्रॉन्ग पाउडर आता है, चिलेटेड न्यूट्रीफिट डीएस आता है, कोई भी 1 kg केवल लेना है। 1 kg आप मिनरल मिक्सचर ले लीजिएगा, उसमें 1 kg टाटा नमक ले लीजिएगा, दोनों को पेपर पर दोनों को गिरा करके बढ़िया से बारीक उसको मिला देना है, बारीक मिला दीजिएगा तो दोनों एक में मिल जाएगा, तो 1 kg हो गया, 1 kg हो गया, 2 kg हो गया। आपको क्या क्या करना है किसान बंधुओं, 100 ग्राम रोज दोनों मिला हुआ मिलाकर उसमें से 100 ग्राम का अपना मिला लीजिएगा, अंजात के 100 ग्राम हमारा हो गया, उससे थोड़ा कम या बेसी 100 ग्राम आपको प्रतिदिन 20 दिन देना है। डिवार्मिंग का दवाई देने के बाद ही देना है, ये बात तो आपको पहले भी बताया था, अभी बता देना है, 3-3 महीने पे आपका कीड़ा का दवाई कोई भी दे देना है, गाभिन नहीं है तो कोई भी दे सकते हैं, एल्बेंडाजोल दीजिए, फेलबेंडाजोल, उसके देने के बाद में ये दवाई हमारा देना है 100 ग्राम रोज, दवाई जो बनाए हैं नमक और मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम रोज 20 दिन दीजिएगा। जब 21 दिन गाय भैंस जब गर्म होगी उसके बाद एक बार रेस्ट दे देना है, छोड़ देना है, कहीं भी नहीं ले जाना है, और उसके बाद 21 दिन के बाद में फिर 21.5 दिन गर्म होगी उसके बाद AI करा दीजिए या सांड भैंसा से पाल खिला दीजिए। एक हमारा रामबाण अजमाया हुआ दवाई है, आपका गाय भैंस कंसिप्ट कर जाएगी, पाल ठहर जाएगा, ये हम दवाई बहुत पशुपालक भाई को देखे हैं और बताए हैं, और इस यह दवाई को आपके विषय में बताने का मेन हमारा कारण नहीं है, शरीर में जब तक ले कैल्शियम फास्फोरस का कमी होता है ना तो बैदानी पाल नहीं ठहरा पाती है, उनमें मिनरल मिक्सचर तो विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, आयोडीन होता है, जो टाटा नमक दीजिए उसमें टाटा नमक आयोडीन मात्रा ज़्यादा होता है, आयोडीन की कमी से भी होता है। और एक और उपाय आपको बता रहा हूँ किसान बंधु, बहुत सस्ता उपाय है, आपको यही करना है कि जब हमारी गाय भैंस माने जैसे आप दवाई दे दिए 20 दिन दवाई दे दिए एक बार छोड़ दिए 21 दिन गर्म हो गई या सांड भैंसा अच्छे नस्ल के सांड भैंसा से पाल खिला दीजिएगा, पाल खिलाने के बाद रतौंधी का गोली आता है लाल टाइप का होता है गोली, वो ले लेना है, गोली लेना है 20 टैबलेट, एकदम सस्ता गोली है, उस 20 टैबलेट को क्या करना है, जब पाल खा लिए या AI करवा दिए उसी समय उसको 10 टैबलेट दे देना है, और 10 टैबलेट एक रोज के बाद फिर 10 टैबलेट दे दीजिएगा, किसी मेडिकल स्टोर पर जाइएगा कहिएगा किसान बंधुओं को हमको रतौंधी का गोली दे दीजिए, तो लाल वाला गोली देगा, विटामिन ए का गोली होता है, विटामिन ए गोली ले लीजिए, उसको 10 गोली दे दीजिए AI करने के बाद, 10 गोली एक रोज के बाद दे दीजिएगा। हमारा ये अजमाया हुआ दवाई है, रामबाण दवाई है, इससे गाय भैंस पाल खा जाएगी, पाल ठहर जाए, कंसीव कर जाएगी, और AI करने के बाद में पाल देने के बाद गाय भैंस को धो देना, नहला देना है कि ठंडा हो जाए। एक और देहाती दवाई आपको बता देते हैं किसान बंधु, इस विषय में बहुत पशुपालक भाई को पता नहीं है, आप लोग कुछ नहीं यही करना है, जब गाय भैंस हमारी पाल खा गई तो आपको
50 ग्राम नील, जो नील कपड़ा में दिए देते हैं हम लोग ना, किसी भी कंपनी का नील 50 ग्राम उसको पिला देना है। एक बार 50 ग्राम का भाई लाता है, 10-15 रुपया का सीसी नील का लिक्विड नील का पिला देना है, एक दिन या पाल खाने के बाद। ये दवाई आजमा कर कोई एक दीजिएगा, इन्हें कि सब दवाई दीजिएगा, एक दवाई देना है आपको, या तो रतौंधी गोली दे दीजिएगा, या नील दे दीजिए, या मिलन मिक्सर कीड़ा की दवाई देकर, कोई एक देना है। 3-4 दवाई बताइए, कोई भी दवाई जो उपलब्ध होगा एक ही दवाई आपको देना है, दीजिए। हमारी गारंटी है कि आपके गाय भैंस जो पाल नहीं ठहर रही है, गाय पाल कंसीव कर जाएगी, 21 दिन गर्म नहीं होगी। किसान बंधु नमस्ते, फिर मिलूंगा।